गौर से देखिए इन्हें, ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के नूरे नजर लगते जिगर हैं। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आखिर आपने क्या देखा था? लाश घसीटते हुए? लाश घसीटने वाला तो झुका हुआ होगा लाश के ऊपर। आखिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, उसकी कमर, उसकी गर्दन या उसकी सूरत? चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आखिर आपने क्या देखा था? मैं कहती हूं आपने कुछ नहीं देखा था, क्योंकि अगर आपने कुछ देखा था तो आप चिल्लाए क्यों नहीं? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आपने कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो इस आदमी को फांसी के तख्ते पे चढ़ाना इंसाफ होगा, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं वो गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने नहीं किया तो ये खून होगा। ये खून आपकी गर्दन पे होगा। आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि उस दिन जिस आदमी को आपने लाश घसीटते हुए देखा था वो ये है। ये गीता नहीं, भगवान का रूप है, भगवान है। इसे अपने हाथों में पकड़िए और अपने सीने से लगाकर कसम खाइए कि उस दिन मोटर की रोशनी में आपने जिस इंसान को देखा था वो ये है। चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, आपने झूठी गवाही दी थी। मिस्टर विजय कुमार, अगर आज इस आदमी के साथ नाइंसाफी हुई तो कुदरत आपसे बहुत बड़ा इंतकाम लेगी। मिस्टर विजय कुमार, आपकी माँ बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी माँ की मौत भी हो सकती है।